नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज, मैं मधु चंद्राकर। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने खड़वा प्रवास के दौरान प्रबुद्ध जनों से संवाद के बाद शहर के अति प्राचीन श्री दादाजी दरबार मंदिर पहुंचे, जहां सीएम मोहन भक्ति भाव में लीन अंदाज में नजर आए। सीएम डॉक्टर यादव ने अपने हाथों से मंदिर में झाड़ू लगाकर सेवा की। दादाजी दरबार में सेवा करने का बड़ा महत्व माना जाता है। सीएम ने भी मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर सेवा देने का काम किया है। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी के स्थानीय जनप्रतिनिधित्व और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम ने धोनी वाले दादाजी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना कर दर्शन लाभ लिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान कराना ये हमारे का कर्तव्य भी है और हम सबको एक तरह से हमारे लोकतंत्र की शोभा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी है देश में कोई है तो भारत। ऐसे में हमारा सबका पत्र बनता है कि हम अपनी वही शोभा को संभाल के रखें और दुनिया में आदर्श बंद करें। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगभग 23 देश के लोगों को अपने लोकतंत्र की चलने वाली निर्वाचन प्रणाली से परिचित कराने के लिए आमंत्रित किया और कई मामलों में भारत ने अपनी एक अलग साख भी बनाई, जिसमें निष्पक्ष चुनाव आयोग अपना चुनाव कैसे संपन्न कराता है और सत्ता का हस्तांतरण कितनी सहजता के साथ भारत में होता है, ये दुनिया के अंदर आज भी बड़ा सम्मान के साथ देखा जाने वाला मामला। आश्चर्य का विषय है, बड़े बड़े देश है जो इस मामले में आपस को उलझते रहते, इस बात की प्रसन्नता है। एक बड़ा उदाहरण और भी आपने सुना, अभी मैं आपकी सामने से बोलना चाहूंगा, आपने संवाद करते हुए बात करूंगा, लेकिन हम सब निर्वाचन तीसरे चरण मेला के बाद चौथे चरण पर बड़े सारे थे। बीमार और मालवा की सभी सीटों के लिए 8 लोकसभा के लिए हमारा चुनाव होने वाला है। समय देखा है जब लोकतंत्र एक अलग अंतरण हमारे सामने निकल के आ रहा है। आप अंदाज लगा दीजिए हमारे देश के अंदर धन तो सदैव रहा भारत में, धन की कमी कभी नहीं हुई भारत में।